वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th में आज मैं आपको टॉपिक पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए हैं। आज मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बता रहा हूँ। इसमें ग्राफ है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर भी एक बार आपको इस एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। इसमें हमें ग्राफ दिए हुए हैं स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर ये देखिए 6 ग्राफ हैं और मुझे इनमें आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज कोई भी नहीं होगा। जी, देयर इज़ नो नंबर ऑफ़ जीरोज बिकॉज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ओके, तो ये इसका रीज़न हो गया। इसी तरह से जो सेकंड है, इस सेकंड वाले में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इसका ग्राफ है वो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये पी एक्स का ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, सो वी हैव नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस ग्राफ एज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी 1। क्लियर हो गया? तो ये इसके जब नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जो जीरोज हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ जीरोज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर जो आएगा नंबर ऑफ़ जीरोज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो रही मेरी बात? आपको रीजन में दे रहा हूँ, जो मैंने रीजन में आपको बोल रहा हूँ वही रीजन आपको लिखना है यहाँ पर। एक ठीक है, मैंने पहले भी लिख के दिखा, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको लिख करके भी दिखा दिया है, तो आप क्लियर हो गया होगा आपको। अब जैसे मान लीजिए इसका मैं थर्ड क्वेश्चन, ये तो था सेकंड वाला था, अगर मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल यहाँ पर बना हुआ है और इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, और ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस को कहाँ पर कर रहा है? 1, 2, 3 टाइम्स, 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जो जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 3 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पी एक्स का ग्राफ यहाँ पर इस तरह से है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर फोर पर अगर मैं देखूँ तो 6 मुझे यहाँ पर ग्राफ गिवन है और इन 6 ग्राफ को मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा कि भाई कहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये 2 टाइम्स कर रहा है एक्स एक्स को इंटरसेक्ट, तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज आएंगे स्टूडेंट्स। इसके ये पी एक्स हो गया, इसको यहाँ पर मैं पी एक्स कह सकता हूँ इसको, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 2 आ गया इसका। एक और है इसका फिफ्थ वन, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये मुझे यहाँ पर मालूम है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से यहाँ पर कर्व है ये स्टूडेंट्स, ये है। तो एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ये कर्व पी एक्स हो गया, 1, 2, 3, 4 चार बार कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज इसके जो आएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ जीरोज इक्वल्स टू 4। एक और है लास्ट वन स्टूडेंट, मैं उसको भी बता देता हूँ जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये इसमें यहाँ पर देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको, इसका जो ग्राफ है देखिए कुछ इस तरह से है, केवल ऐसे टच कर रहा है यहाँ पर है। और ये यहाँ पर टच करके फिर इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर ये ऐसे यहाँ से आ जाता है। तो एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 3 बार कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज जो आएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3 आएंगे। पी एक्स है यहाँ पर ये पॉलिनोमियल। तो
अब बात आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से सबको। तो चलिए मैं इस वक्त आपको अब इससे जो जो आगे वाले जो क्वेश्चन है, आगे वाली एक्सरसाइज है 2.2, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज टू पॉइंट टू स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, इस वाली एक्सरसाइज में स्टूडेंट दो तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पर केवल। तो देखिए, फाइंड द जीरोज एंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखिए, मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले बताया है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट ले रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा यहाँ पर इसके जीरोज़ फाइंड करना, तो सबसे पहले मैं इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड करूँगा स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसको मुझे फैक्टराइज़ करना होगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो माइनस का आ गया यहाँ पर 4x, या प्लस का 2x ले लेता हूँ मैं, माइनस का 4x माइनस का 8। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 आ गया, माइनस का 4 कॉमन, एक्स प्लस 2, और स्टूडेंट्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4, ये इतना आ गया यहाँ पर। तो देखिए, इसके जो जो जीरोज़ हैं, हमें नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करना है, तो इसको इक्वल टू 0 करना होगा। पुट एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 फॉर द जीरोज़, देन वी हैव एक्स माइनस 2 एंड प्लस 4, सो वी हैव जीरोज़ आर, सो जीरोज़ आर माइनस 2 एंड 4। स्टूडेंट्स ये पूछा है आप सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पर जीरोज़ आपको फाइंड करके दिखा दिए हैं। अब आगे कुछ और भी कह रहा है यहाँ पर ये, और वो ये कह रहा है कि आप इसमें रिलेशनशिप निकालिए इसके नंबर ऑफ जीरोज़ और इसमें। नाउ स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल है मेरे पास माइनस 8, मैं इसको कंपेयर करूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया, ये है कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 है, इसको मैं लिखूँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी की वैल्यू माइनस 8 है और ये है कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज़। नाउ सम ऑफ जीरोज़ मैं फाइंड करूँगा, सम ऑफ जीरोज़। देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ में इसका मतलब ये स्टूडेंट, जीरोज़ हमारे पास जो आए हैं, देखिए माइनस 2 आया है और एक 4 आया है, तो मैं इन दोनों का सम करूँगा और ये आ गया कितना, प्लस का 2 आ गया स्टूडेंट्स। जब ये प्लस का 2 यहाँ पर आ गया है सम ऑफ जीरोज़, और इसको मैं जो लिख सकता हूँ उसको कुछ ऐसे लिखूँगा, माइनस माइनस 2/1। स्टूडेंट्स इसमें क्या है, ये जो माइनस 2 है ना,
आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस टू बी है, तो ये इस फॉर्म में आ गया, माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में, मुझे इसी फॉर्म में लाना था। तो अब मैं इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखूँगा, माइनस तो है यहाँ पर, बी क्या है कॉफिशेंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया यहाँ पर। सिमिलरली ऐसे में प्रोडक्ट को करूँगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आएगा स्टूडेंट्स माइनस टू मल्टीप्लाई फोर, तो ये आ गया माइनस का एट, माइनस एट को मैं ऐसा ले सकता हूँ, और माइनस एट क्या है सी है, सी अपॉन ए आ गया, और सी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर, मैं सी को यहाँ पर क्या कह सकता, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म, और ये क्या है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स, क्या है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मुझे यही वेरीफाई करना था स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कर पाएंगे आसानी से स्टूडेंट, क्लियर हो गए होंगे आपको एकदम बढ़िया से। तो और भी अगर मैं यहाँ पर जैसे इसी के जो और पार्ट हैं वो भी हम यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं सभी बड़े सिंपल हैं, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है कि जो आपसे ना हो, आसानी से कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए सेकेंड पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है मेरे पास, 4s² माइनस 4s + 1 है, इसके मैं फैक्टराइज़ करूँगा स्टूडेंट्स, तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1 हो गया, 2s कॉमन, 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन, और स्टूडेंट 2s माइनस 1, और ये यहाँ से फॉर जीरोज वी पुट 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, सो वी हैव s इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, सो जीरोज आर 1/2 एंड 1/2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, नाउ वही रिलेशनशिप बिटवीन, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये गिवन है, इसको मैं ऐसे कंपेयर करूँगा as² प्लस bs प्लस c से, a इक्वल्स टू 4 हो गया, और ये क्या है कॉफिशेंट्स ऑफ x है x² b इक्वल टू माइनस का 4 है, कॉफिशेंट ऑफ x हो गया, और c इक्वल टू 1 है, और ये क्या है स्टूडेंट कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पर, और अब मैं इसमें सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, क्या निकालना है मुझे सम ऑफ जीरोज, मेरे पास सम ऑफ जीरोज मीन्स 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 आ गया, और 2/2 को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 4/4 भी तो लिख सकता हूँ उसको भाई, जो यहाँ पर आया है सम जो मैंने किया है कितना आया स्टूडेंट्स यहाँ पर 2/2 आ गया है सम, तो अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ स्टूडेंट, मैं इसको 4/4 भी तो ले सकता हूँ उसको, जो 2/2 का मतलब 1 आ गया, 1/1, और ये 4b/a भी ले सकता हूँ इसको मैं, तो स्टूडेंट मैं इसको कुछ इस फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये था यहाँ पर इतना, ओके देखिए बच्चों मुझे लाना कितना है माइनस, मुझे लाना प्लस का लाना है बी अपॉन, माइनस का बी अपॉन ए, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर बी अपॉन ए, अगर मैं करता हूँ तो पॉजिटिव आएगा, तो स्टूडेंट इसको मैं लिख देता हूँ 4/4 और कुछ इसको मैं ऐसा लिखूँगा माइनस 4/4 ऐसा लिख दिया मैंने, देखो माइनस से माइनस फर्क नहीं पड़ा कोई, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/4 हो गया, तो ये इतना आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस ये बी और बाई ए आ गया, बी बाई ए, बस स्टूडेंट मुझे यही लाना है, कोई बार बार नहीं है, इतना आ गया यहाँ पर। एंड प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो गया जी 1/4 आ गया,
तो 1/4 का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास यहाँ पर सी बाई ए है, हैंस ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट कर पा रहे हैं हम आसानी से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है हमें, और भी ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन हैं, अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को करके देखेंगे तो सभी हो जाएंगे हमसे, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं कहीं पर भी हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का अगर हम थर्ड पार्ट लें, देखिए पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको हम पहले से लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, और अब हम इसके फैक्टराइज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और फैक्टराइज़ करने पर हम मुझे फाइंड हो जाएगा यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट 6x² माइनस के 9x और प्लस 2x माइनस 3, और इसके मैंने यहाँ पर 3x कॉमन लिया है, तो स्टूडेंट इसके जो फैक्टराइज आएंगे, देखिए 3x 2x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन 2x माइनस 3, और एक बार फिर 2x माइनस 3 3x प्लस 1 स्टूडेंट्स, ये आ गया यहाँ पर। अब मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट जीरोस फाइंड करना है मुझे, तो मैं जीरोस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जीरोस मुझे यहाँ फाइंड करना है, तो स्टूडेंट देखते हैं चलो, फॉर जीरोस, फॉर जीरोस पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो वी हैव x इक्वल्स टू 3/2 एंड माइनस 1/3, ये इसके जीरोज आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये जीरोज आ गए तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स को, ये जीरोज को अब मैं वेरीफाई करूँगा इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करते हैं इसके साथ में। ओके बच्चों, चलिए जी, हैंस जीरोज आर कितना हो गया स्टूडेंट, जीरोज आर माइनस 1/3 एंड 2/3, ये इसका आंसर आया, माइनस 1/3 एंड 2/3, क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें ना स्टूडेंट्स मुझे वेरीफाई करना है वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सम ऑफ, पहले सम ऑफ जीरोज कर लेता हूँ, ये हर एक में करना है मुझे, सम ऑफ जीरोज माइनस 1/3 प्लस 2/3, ये 1/3 आ जाएगा, और स्टूडेंट्स अगर मैं इसको अब कंपेयर करता हूँ, उसको मैंने अभी कंपेयर नहीं किया था यहाँ पर, मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ उसको, देखिए 6x² है, नाउ 6x² माइनस 7x माइनस 3 ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू माइनस 7 है एंड c इक्वल टू माइनस 3 है, तो मैंने इसको कंपेयर कर दिया स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर 1/3 आ गया है, 1/ अगर मैं इसको सम करता हूँ तो 1/3, और मुझे लाना क्या है भाई, बी अपॉन ए लाना है स्टूडेंट्स मुझे इसको, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक बार ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, एक तो मेरे पास आ गया 3/2 और एक आ गया मेरे पास 1/3, तो सम ऑफ जीरोज में जो कर रहा हूँ उसको अगर मैं देखूँगा स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक ये कर दी है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर क्या है, ये 3/2 है स्टूडेंट्स, ये है, तो ये 3/2 है। अब मैं इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा, तो 3 2 जा इसका एलसीएम आएगा 6, और ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर प्लस का 7 आ जाएगा, तो 7/6 आ गए यहाँ पर स्टूडेंट्स, और ठीक है आप देख लीजिए
सिक्स सेल्सियम आया। मैं थोड़ा चलो यहाँ अब भी करके दिखा देता हूँ आपको। सिक्स सेल्सियम, थ्री टू जो माइनस का टू टू जो, और ये नाइन आ जाएगा, तो नाइन माइनस टू सेवन बाई सिक्स आ गया स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब इसको मैं स्टूडेंट लिख सकता हूँ इसको माइनस माइनस सेवन अपॉन सिक्स, और आप देख पाएंगे माइनस ये क्या है, बी है और ये ए है, इस फॉर्म में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस वन बाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री बाई टू, तो ये माइनस का वन बाई टू आ गया, वन माइनस का वन बाई टू काउंट हो गया। इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस का थ्री बाई सिक्स भी लिख सकता हूँ, और ये सी है और ये ए है, और मुझे यही वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ये तीन क्वेश्चन बता दिए हैं, हालांकि पार्ट इसके अभी तीन और भी हैं, तो आप इनको ना स्टूडेंट्स, मैं आपको अदर क्वेश्चंस को कहूँगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें, होमवर्क में रहेंगे क्वेश्चन ये जो है। देखिए क्वेश्चन इसका जो फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, और जो फिफ्थ पार्ट है, अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ, देखिए टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, एंड सिक्स पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये फोर। ये स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इनको तीनों को करके देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, मैं उसके भी कुछ पार्ट बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स। व्हेन अगर आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है, तब उसका फॉर्मूला देखिए होता है, व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, व्हेन सम ऑफ जीरोज, व्हेन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गिवन है, कितना गिवन है स्टूडेंट, वन बाई फोर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस वन गिवन है। अब मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म बनना है, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वी हैव, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा बीटा। स्टूडेंट चाहें तो हम यहाँ पर के भी लगा सकते हैं इसको, बाकी मैंने आपको बताया के का कोई हम वो नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, इसका वन बाई फोर है, वन बाई फोर एक्स, और इसकी वैल्यू माइनस वन है, ये हो गया यहाँ पर स्टूडेंट। फोर अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ ए बाई फोर, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर हो जाएगा, या इसको मैं हैंस रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल हैंस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ऐसा किया है कि रखे मैंने फोर से कॉमन ले लिया है यहाँ पर, और ये ऐसा आ गया, और हैंस पॉलीनोमियल, हैंस रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल बी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। तो स्टूडेंट सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे यहाँ पर, और आसानी से हो जाएंगे, कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं और बाकी के क्वेश्चन जो हैं इसके जो अदर पार्ट्स हैं स्टूडेंट जितने भी हैं, उन सबको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ट्राई करें, ऐसे कोई नहीं है उसमें कर पाएंगे, या अगर कहते हैं तो चलो मैं एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ अगर आप कह रहे हैं तो। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, मैंने फर्स्ट पार्ट लिया अभी जैसे इसका, अब मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट लेकर के कराता हूँ इसका। चलिए सेकेंड, जैसे इसका सेकेंड पार्ट देखूँ मैं, इसी का सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, मुझे जो वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू है रूट टू, अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू जो गिवन है मुझे वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, वो गिवन है स्टूडेंट्स इक्वस टू वन बाई थ्री। और जैसा कि मैंने बताया पॉलिनोमियल के लिए
पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको पॉलिनोमियल इक्वल्स टू आप यहाँ के लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ऐसे फॉर्म कर सकते हैं इसको आप, के एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 1/3 एक्स है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √2 है। आप चाहे तो उसको 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और ये हो जाएगा 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2। ठीक है स्टूडेंट्स, हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल भी इसको हम हटा देंगे यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तो 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2। तो सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप लोग न कर पाएँ, आसानी से हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आप कर पाएंगे, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं यहाँ पर इसका एक और 6 पार्ट कर देता हूँ, पार्ट 6 है इसका। गिवन दैट एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, हम ऐसा भी ज़रूर नहीं है कि हम के लगाएं, हम उसके बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 आ गया और ये प्लस का 1 आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी चलिए बच्चों को शायद फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है, फिफ्थ पार्ट भी बता देता हूँ मैं। एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 1/4 गिवन है मुझे, एल्फा इन टू बीटा 1/4 गिवन है, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल भी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रखूँगा तो प्लस का हो जाएगा 1/4 एक्स, और ये प्लस का 1/4। तो स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूँ, इसको 4x² प्लस एक्स प्लस का 1, दिस द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से। तो ये है भैया आपका स्टूडेंट्स, ये 2.2 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाती है, और इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।